नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस पर। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 इम्पॉर्टेंट मैथ्स क्वेश्चंस। ये मैथ क्वेश्चंस किस एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं, तो मैं आप सभी को बता दूँ, आपके ये यूपीटेट सीटेट जैसे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आज के वीडियो को देखने के बाद, कुछ 10 मिनट का वीडियो आपका रहेगा, इसके बाद आपको एक बेसिक समझ बन जाएगी कि आपके यूपी टेट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उनका लेवल क्या रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे PYQs हैं, तो आपको ये काफ़ी हेल्प देने वाले हैं। मैं एक एक क्वेश्चन का एक एक सॉल्यूशन अपने समझ से काफ़ी अच्छे तरीके से देने की कोशिश करूँगी, जो कि आप सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को इतनी बात? तो बिना टाइम को गवाएं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बिना टाइम को गवाएं, मैं सबसे पहले आपका वीडियो शुरू करती हूँ और वीडियो के साथ साथ मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व कराने का प्रयास करती हूँ, ठीक है? तो बात कर लेते हैं पहला क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या क्या होती है। अब वो सरल रेखा कैसी हो सकती है मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी भी हो सकती है या फिर इतनी बड़ी भी हो सकती है या फिर इतनी बड़ी भी हो सकती है। तो इस पर आप कितने बिंदु, मतलब इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं, ये आपको बताना है। जीरो हो सकते हैं या दो या एक या फिर असंख्य। तो देखिए, ये बेसिकली कोई भी सरल रेखा हो, उस पर बिंदुओं की संख्या असंख्य होती है, क्योंकि हमें नहीं पता हम कितने बिंदु रख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि आपको ये बात सिंपल सी याद रखनी है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या असंख्य होती है, ठीक है? क्लियर है आप सभी को? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू की। क्वेश्चन नंबर टू है आपका कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस त्रिक के बारे में आप सभी पढ़े होंगे, ठीक है? काफ़ी पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। ये इस वीडियो में आपको ये बताना है, ठीक है? अब 8 तो इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो चलो हम पहले ये वाला ऑप्शन कट कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन तो हमने कट कर लिया, ऑप्शन नंबर डी। अब बात कर लेते हैं तीन ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो 8 और 15 और 17 को हम लोग अगर चेक करें तो किस तरीके से चेक करना होता है, ये आप सभी को अगर पता नहीं है तो मैं आप सभी को बता दूँ। कोई पाइथागोरस त्रिक क्या होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या है, 17। 17 का स्क्वायर जो होगा आपका वो 8 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। क्लियर है आप सभी को? तो अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 17 का स्क्वायर सबसे पहले हम देख लें, ठीक है? अगर हम 17 का स्क्वायर देखेंगे, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, क्लियर है आप सभी को इतनी बात? 17 का स्क्वायर हो जाता है 289, 15 का हो जाता है 225 प्लस 8 64, ठीक है? जब इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो 289 आ जाएगा, 5 4 9 6 2 8 और 2। तो आपका 289 और 289 बराबर हो रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को? तो पाइथागोरस त्रिक के बारे में आपको पता चल गया होगा कि क्या होती है। सबसे बड़ी संख्या जो आपकी दी होगी उसका स्क्वायर बाकी दोनों संख्याओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। क्लियर है आप सभी को? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता होंगी तो आपका एक नंबर आराम से चला जाएगा, ठीक है? चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन सा सही कथन सही है, ये आपको खोज के बताना है इनको कि सही कौन सा है, ठीक है? सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दिया कीजिए कि क्या पूछा है, सही पूछा है या गलत पूछा है। तो इन्होंने इस बार सही क्वेश्चन, सही कथन के बारे में पूछा है कि क्या सही होगा। तो इन्होंने सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो गाइज ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इनफैक्ट कई आप में से कई लोगों को यही बात अभी क्लियर नहीं होगी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है या 2 होती है। तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, 1 नहीं होती है, ठीक है? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की कि एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है क्या। तो अगर आप सभी को ये बात बतानी है तो फिर इसके लिए आपको मैं क्या एग्जाम्पल दूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। इन्होंने पूछा कि भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है क्या। अब भाज्य संख्या में अगर हम लोग जानेंगे तो भाज्य संख्या हमारी क्या होती है भाई, वही तो होती है जो किसी भी संख्या से कट सके। तो भाज्य संख्या के लिए मान लो हम अगर 9 ले लें, ठीक है, ये एक विषम संख्या है, 9 किसी से कटता है, 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पर। और इन्होंने आपसे सही ऑप्शन के बारे में ही पूछा था कि नहीं पूछा था, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बाकी दोनों ऑप्शन भी हम लोग चेक करते हैं। चेक कैसे करेंगे, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। देखो
सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है, तो दो असम भी है, ठीक है, तो सम अभाज्य संख्या तो होती है ना, तो इसलिए आपका ये वाला गलत हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, इन्होंने ये बताया है। अब इसको गलत कैसे प्रूफ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। दो अभाज्य संख्याएँ, मान लो मैं अभाज्य संख्याएँ कौन सी ले लूँ, पाँच ले लेती हूँ, सात ले लेती हूँ, ठीक, योगफल इनका क्या होगा, बारह होगा। बारह आपका कैसा हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है। सम का मतलब भाज्य भी है, ये चार से भी कटता, तीन से भी कटता, दो से भी कटता, ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या तो नहीं हुई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा कि भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है। क्लियर है आप सभी को? बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की। क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए अगर संख्या फोर, एक सेकेंड, अगर संख्या आपकी 4 1 7 जेड 8 9 से पूर्णतया विभाजित हो। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 से 11 12 तक की डिविजिबिलिटी 11 तक की डिविजिबिलिटी रूल्स आसानी से याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊँगी जिससे आपका ये सवाल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जितनी भी संख्या में अंक दिए होंगे, ठीक है, अंक का मतलब होता है ये ये ये, जितनी भी संख्या में अंक दिए होंगे उन सबका जो योग होगा वो 9 से कटना चाहिए। क्लियर है आप सभी को? अब इनका योग अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, 4 + 1 + 7 + z + 8, ठीक। अब 4 1 5 7 5 12 8 20, 20 प्लस जेड आ गया, अब ये 9 से कटना चाहिए। अब 9 का आप टेबल पढ़ेंगे तो 9 9 2 18 होता है, 9 3 27 होता है, मतलब 20 के बाद पहली संख्या कौन सी आ रही है, 27 आ रही है, तो 20 में क्या ऐड करेंगे कि 27 आ जाएगा, 7 ही तो ऐड करेंगे, तो जेड की जगह आपका क्या आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का मासा 6 है, लासा 432 है, एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या क्या होगी। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा कि मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब मासा दिया है 6 गुणा लासा होता है 432 दिया है, पहली संख्या है आपकी 48 और दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। अब 6 से 48 काटेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 से अगर हम 432 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 5 40 और 3 मतलब 32 बचेगा, तो 8 4 32, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 54 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है आप सभी को? बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सिक्स की। क्वेश्चन नंबर सिक्स आपसे पूछ रहा है कि कोई भिन्न है, ठीक है, इसका हर जो है वो अंश के दोगुने से एक अधिक है, फिर इन्होंने कहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो आपकी मूल भिन्न क्या होगी। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो आप x मान के लगा सकते हैं, दूसरा आप ऑप्शन से क्लियरली चेकआउट करके 2 मिनट में इसको सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आपको दोनों तरीका बताती हूँ, ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन से सॉल्व करना बताती हूँ। जो जो सवाल में दिया है वो आप ऑप्शन में देखते जाइए किस ऑप्शन में बन रहा है। किसी भिन्न का हर जो है वो अंश के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है, अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश का अंश इसमें क्या है, एक है, इसमें 9 है, ठीक है। अब एक का दोगुना 2, 2 का एक अधिक मतलब 3 होना चाहिए हर में, तो ये वाला गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब इसमें देख लेते हैं हम, भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, अंश के दोगुने से मतलब 2 2 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, ये हमारा हो सकता है कि सही हो, बाकी आगे देखेंगे। फिर इन्होंने बोला भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, भाई इसमें भी यही बात बन रही है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने बोला है कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, ठीक है। अब अगर इस वाली भिन्न की बात करें तो अंश में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा और हर में 3 घटाने पर यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 2 2 4 मतलब 2 आ रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस भिन्न की, इसमें दिया है कि अंश में 2 जोड़ने पर यानी कि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा, हर में 3 घटाने पर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, भाई ये तो कोई वही भिन्न ही नहीं बन रही। हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर हमारे पास एक बचता है, ऑप्शन नंबर डी, 4/9। 4/9 को अब हम सही साबित कैसे करेंगे ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। किसी भिन्न का
हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। अब चार का दोगुना आठ, आठ एक नौ, और हर में भी नौ है, ठीक है। ये बात हमारी फुलफिल हो गई कंडीशन। फिर है अंश में दो जोड़ने पर और हर में तीन घटाने पर संख्या एक प्राप्त होती है। अब अंश में दो जोड़ने पर, हम चार में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, छः आएगा, और हर में तीन घटाने पर यानी कि नौ में से तीन घटाएंगे तो क्या आएगा, छः आएगा। छः बटे छः की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को, आई होप क्लियर होगा। बात कर लेते हैं एक्स की वैल्यू मान के कैसे इस सवाल को लगाएंगे। चलिए एक्स की वैल्यू मान के अगर हम बताते हैं तो कैसे मानेंगे। मान लो भिन्न का जो अंश है वो एक्स है हमारा, ठीक है। अब भिन्न का जो हर है अंश के दोगुने से एक अधिक है, ठीक है। अंश के दोगुने से यानी कि 2x एक अधिक है, ये हो गई हमारी भिन्न। अब इन्होंने बोला है कि अंश में दो जोड़ने पर, अब हम अगर अंश में दो जोड़ेंगे तो इस तरीके से जोड़ेंगे, और हर में तीन घटाने पर तीन घटा दिया, हमें एक प्राप्त होता है। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है, x प्लस टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस टू, ठीक है। अब x हमारा अगर उस साइड जाएगा तो 2x माइनस x हो जाएगा बराबर, दो और दो हो जाएगा चार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, चार आ जाएगी। जब x की वैल्यू चार है हमारी, तो x की वैल्यू चार है तो हमारी हर की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार दूनी आठ नौ, चार बटे नौ आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने इस सवाल को दो तरीके से समझ लिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह सवाल समझ में आ गया होगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की। सेवन में आपसे पूछा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 हो तो व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब दो संख्याओं का अंतर है 5 और गुणनफल है 36, संख्या मान ले रहे हैं हम x और y है कोई, ठीक है। तो x और y का व्युत्क्रम जो होगा 1/x माइनस 1/y होगा, तो y माइनस x अपॉन एक्स वाई आएगा, ठीक है। इसका जो भी आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एक्स वाई आएगा नीचे। जब एक्स वन, मैं आपको फिर से बताती हूँ सवाल को, 1/x माइनस 1/y की वैल्यू क्या आएगी, जब एलसीएम लेंगे एक्स वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस एक्स। अब ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आपका अंतर आ रहा है, नीचे आपका गुणनफल आ रहा है। अंतर आपको दिया है 5, गुणनफल दिया है 36, इसलिए आपका 5/36 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर एट की। क्वेश्चन नंबर एट आपसे पूछ रहे हैं कि 0.01 का स्क्वायर जो है इसको प्रतिशत रूप में लिखने पर क्या मिलेगा, ठीक है। चार आपके ऑप्शन दिए गए हैं, फिर आपसे इस तरीके से सवाल पूछा है। अब देखो इसमें क्या होता है, पॉइंट की वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो गलती ना हो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि कोई भी अगर दशमलव संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको क्या करना रहेगा, उसमें 100 का गुणा करना रहेगा, ठीक है। जब 100 का गुणा करना रहेगा तो कैसे आंसर होगा इसका, मैं आपको बताती हूँ। 0.01 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा, दो अंक के पहले दशमलव या चार अंक के पहले हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 का गुणा करेंगे, फिर प्रतिशत लगा देंगे। क्लियर है आप सभी को इतनी बात, ठीक है। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये हमारा जो दो अंक, मतलब चार अंक के पहले दशमलव है, 100 का गुणा करेंगे तो हमारा दो अंक के पहले रह जाएगा, 0.01% आ जाएगा। 0.01% यानी कि ए हमारा सही है, सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। जब ए हमारा सही है तो 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, तो 1/100% यानी कि डी भी हमारा सही है, बाकी ये दोनों हमारे गलत हो जाएंगे। तो ए कॉमा डी कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 1 ग्राम की वैल्यू किलोग्राम में कितनी होती है, ठीक है। 1 ग्राम की वैल्यू आपसे इन्होंने पूछी है किलोग्राम में, ठीक है। ये आपका 1/1000 किलोग्राम है, गलती से टाइप हो गया। चलिए मैं आप सभी को अब इसमें बताती हूँ, हाँ जी। तो मैं आप सभी को इस सवाल को बताती हूँ कि 1 ग्राम की वैल्यू इन्होंने पूछी है कि किलोग्राम में कितनी होगी, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है आपका, 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर हमारा होता है 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/1000 किलोग्राम। 1/1000 मतलब 10^-3 किलोग्राम, ठीक है। अब 1/1000 इसमें है क्या, 1/1000 यहाँ पे होगा, गलती से ये टाइप हो गया होगा, तो ए ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। 1/1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10^-3, यानी कि a, b आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से।
राइट हो जाएगा, ये आपका दशमलव है, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1000 किलोग्राम नहीं होता, ना 0.0001 किलोग्राम होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए और बी यहाँ से राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देख लेते हैं कि क्या पूछा है इन्होंने। पी का पी परसेंट 36 है, यानी कि पी का पी परसेंट यानी कि पी अपॉन 100 बराबर 36 दिया है, तो पी की वैल्यू निकालनी है, तो पी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3600, 100 का गुणा उधर हो जाएगा, पी का स्क्वायर बराबर 3600 है, यानी कि 3600 का जब वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 60 आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो गया। आई होप आप सभी को इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बाकी अब बात कर लेते हैं, छोटी सी एक और बात बता देती हूँ आपको कि परीक्षा प्लस पर आपके और भी बैचेस चल रहे हैं। अगर आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट में किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार ऑफिस में कॉल करके इंक्वायरी ज़रूर लीजिएगा। आप क्वालिटी कंटेंट पाएंगे, कंटेंट बहुत अच्छा पाएंगे, बेसिकली अच्छे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर सेवा का मौका अवश्य दें। एक बार ज़रूर आप ऑफिस में कॉल करके डेमो एंड ऑल ले सकते हैं। इसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको बैच में एडमिशन लेना है या नहीं। मेरे हिसाब से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें पाएंगे, ठीक है। तो बाकी बस इतनी बात आप सभी से करनी थी, तो आज की वीडियो में हमें इतनी बात करनी थी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, उसमें आपका कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो रह सकता है, कोई इंपॉर्टेंट MCQs रह सकते हैं। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।